नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। जी हाँ, रेडॉक्स शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, RED यानी रिडक्शन और OX यानी कि ऑक्सीडेशन। यानी एक तरीके से देखा जाए तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों इस अभिक्रिया के अंदर होते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होते हैं। भाई ऑक्सीकरण भी होगा उसके अंदर और अपचयन भी होगा, तो ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आइए बात करते हैं एक उदाहरण के बारे में, रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है हमारे पास में जर्डन जिंक की अभिक्रिया जो है वो CuSO4 से होने पर, जिंक की अभिक्रिया CuSO4 से होने पर जो प्रोडक्ट बनता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, ये विस्थापन अभिक्रिया का भी एक उदाहरण है। आइए बात करते हैं कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया किस प्रकार है। तो इस अभिक्रिया में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हम रेडॉक्स अभिक्रिया इस आधार पर बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो सल्फेट है, सल्फेट एक ऋण विद्युत तत्व है और ऋण विद्युत तत्व जो है वो कॉपर से हट रहा है, यानी कॉपर सल्फेट से कॉपर बन रहा है। ऋण विद्युत तत्व का हटना और कॉपर सल्फेट से कॉपर का बनना, यानी जब भी ऋण विद्युत तत्व हटता है, देखिए आपको याद नहीं आ रहा है पिछले वीडियो में मैंने आपको एक सूत्र बताया था PHONE, इस सूत्र में हमने लगाया था ऊपर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, नीचे लगाया था प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। ऊपर होता था ऑक्सीडेशन, नीचे था रिडक्शन। तो इस आधार पर हम देख पा रहे हैं कि SO4 जो है वो विद्युत ऋणी तत्व है, विद्युत ऋणी का अर्थ हुआ नेगेटिव, और नेगेटिव जो है अलग हो रहा है, निष्कासित हो रहा है। तो देखिए माइनस लगा हुआ नीचे की तरफ है, माइनस माइनस का अर्थ होता है निष्कासित होना, तो ऋण विद्युत तत्व निष्कासित हो रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर कॉपर सल्फेट का कॉपर में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जिंक जो है जिंक से जिंक सल्फेट बन रहा है, जिंक से जिंक सल्फेट बन रहा है, ऋण विद्युत तत्व जिंक के साथ जुड़ रहा है, तो ऋण विद्युत तत्व यानी कि N इसके साथ में जुड़ रहा है प्लस, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में हम क्या देख पा रहे हैं कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, आइए बात करते हैं एक और उदाहरण के बारे में, रेडॉक्स अभिक्रिया के एक और उदाहरण लेते हैं हम। इसमें देखिए उदाहरण है Fe2O3 प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ये अभिक्रिया करके बना रहे हैं Fe फेरम प्लस CO2। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर Fe जो है वो 2 है, यहाँ पर Fe 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो कार्बन, देखिएगा कार्बन एक है, कार्बन एक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑक्सीजन 3 और 1 4 है, ऑक्सीजन इधर 2 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे, तो ऑक्सीजन हो जाएगी इधर 6, 3 इधर है, 3 से इसको गुणा कर दो, तो 3 ऑक्सीजन ये 6, 6 ऑक्सीजन 3 कार्बन, और ये बैलेंस हो गई अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हम देखेंगे कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। यहां पर मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि Fe2O3 फेरस ऑक्साइड जो है, फेरिक ऑक्साइड, यहां पर क्योंकि 3 है तो ये फेरिक होगा, फेरस नहीं होगा, लिख देता हूं मैं फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो फेरिक ऑक्साइड है उससे एफ ही बन रहा है, तो यहां पर ऑक्सीजन उपस्थित था लेकिन यहां ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन हट रहा है, और हम अपने सूत्र से क्या देख पा रहे हैं, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर Fe2O3 का Fe में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, अपचयन। ये बात तो क्लियर होगी। दूसरी बात करते हैं, यहां पर CO एक अकेला ऑक्सीजन था लेकिन प्रोडक्ट के रूप में यहां पर O2 प्राप्त हुआ है, यानी कि यहां ऑक्सीजन जुड़ गया है, और ऑक्सीजन जब जुड़ जाता है तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। ठीक है,
तो इस अभिक्रिया में हम क्या देख पा रहे हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं हो रही है, तो ये भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक है, यहाँ ये फेरम बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, ऊपर वाली अभिक्रिया में जिंक है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है जो कि लवण है, और ये कॉपर प्राप्त होता है। तो ये होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। साथ ही हम एक अभिक्रिया और के बारे में, एक अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। दूसरी अभिक्रिया हम ले रहे हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया, देखिए दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे? उदासीन हो जाते हैं, बिल्कुल बेसिक परिभाषा है। जब अम्ल और क्षार को समान मात्रा में मिलाया जाता है तो उनके मध्य होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होगी? अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया। अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया होती है उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमेशा लवण और जल बनते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया हम लिखते हैं, एक अभिक्रिया लेते हैं हम, HCl प्लस NaOH। देखिए ये अम्ल है और इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये क्षार है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके बना रहे हैं यहाँ NaCl। देखिए यहाँ का Cl और यहाँ का सोडियम NaCl, ये क्या है? ये एक लवण है प्लस H2O, ये जल है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कोई भी हो उसके अंदर हमेशा लवण और जल बनते हैं। तो ये हो गई उदासीनीकरण अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। इस वीडियो में हमने एक रेडॉक्स अभिक्रिया अच्छे से पढ़ लिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में भी पढ़ लिया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।